गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा हूँ। आपका नाम बड़ा अच्छा है, यस। यस सर। यस का मीनिंग क्या है? सर यस का अर्थ होता है ग्लोरी, या जिसको कीर्ति कहते हैं हम, या कोई ख्याति या प्रसिद्धि प्राप्त करने से है सर इसका मतलब। तो आपके जीवन में अभी आज तक आपने यश की ग्लोरी या ख्याति पूरी हो गई या रिजल्ट के बाद होगी? सर रिजल्ट के बाद होगी। सर रिजल्ट के बाद होगी। आप भरतपुर में गोसावर के रहने वाले हैं, सर तो भरतपुर जिले के बारे में आपने अच्छी जानकारी कर रखी होगी। सर यस, आप इंजीनियर हैं सर और आपने 2014 में इंजीनियरिंग करने के बाद में राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हुआ है। यस सर। तो ये बताइए, भरतपुर का नाम भरतपुर कैसे पड़ा? सर भरतपुर का नाम जो राजा दशरथ थे उनके पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है सर। तो यहाँ रघु वंश का कोई संबंध है? भरतपुर के राजा किस कुल सर देवता की पूजा करते हैं? सर भरतपुर के राजा भगवान राम के जो भाई लक्ष्मण थे उनको अपना आराध्य मानते हैं। लक्ष्मण को? यस सर। तो जयपुर के शासक किसको मानते हैं? सर सर जयपुर के साथ कुश को मानते हैं सर, राम के पुत्र कुश को। भगवान राम के पुत्र लव और कुश में से बड़ा कौन है? सर लव बड़े थे। पक्की बात? हाँ सर श्योर नहीं हूँ। ओके। भरतपुर का जो राजकुल है, राजवंश है, उनकी कुल देवी कौन सी है? सर भरतपुर के राजवंश की कुलदेवी राजेश्वरी माता है। राजेश्वरी माता। यस सर। चलिए ठीक, सवाल बताइए, जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक? सर जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक महाराजा बदन सिंह को माना जाता है। और संस्थापक? संस्थापक चूड़ामन जाट को माना जाता है। अच्छा, जाट राजवंश के कोई अफलातून भी कहलाते हैं क्या? सर महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो और अफलातून कहते हैं। कि अफलातून का तात्पर्य क्या है? सर जितना मुझे पता है इसका तात्पर्य है कि जो बहुत सारे क्षेत्रों में मतलब अच्छी अच्छा ज्ञान रखता हो उसको कहते हैं सर अफलातून। अच्छा, एक सवाल और कर लेता हूं मैं भरतपुर का आपसे। हट जा गोरा पाछे ने, आठ फिरंगी नौ गोरा, लड़े जाट का दो छोरा। हमने सुना सर सुना है सर। इसमें ये लड़े जाट का दो छोरा, ये कौन है? सर ये दुर्जनसाल और शत्रुसाल करके दो भाई थे सर, उनके अच्छा, माधो सिंह भी थे या नहीं लिए सर थे? ये अच्छा प्रयुक्त हुआ है। चलिए, राजनीति विज्ञान से कुछ सवाल करें आपसे। यस सर। राजस्थान में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री बन गए? सर राजस्थान में 5 उप मुख्यमंत्री बने हैं। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम सर श्री टीकाराम पालीवाल प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। सर अच्छा चलिए, वेरी गुड। आपने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ यस सर। है, आप बताएंगे कि भारत क्या एशिया में सिविल इंजीनियरिंग का पहला कॉलेज कौन सा था? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, आज के समय में आईआईटी रुड़की का नाम आपने सुना है? अच्छा, यस सर। आईआईटी रुड़की के बारे में क्या जानते हैं, इसकी स्थापना?
या अन्य चीजों के बाद? सर ये उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में है, आईआईटी रुड़की। और सर सिविल इंजीनियरिंग का जो स्ट्रीम है उसके लिए मतलब ये काफी पॉपुलर है सर। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज या एशिया का कह सकते हो सिविल इंजीनियरिंग का कौन सा है, अब आपको रिकॉल हो रहा है? सर शायद रुड़की ही है। अच्छा रुड़की है। अच्छा आपने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हुआ है, तो राज्यसभा और लोकसभा हमारे यहाँ दो सदन, कोई ऐसी शक्ति बताइए जिसका अधिकार सिर्फ राज्यसभा के पास है? शुरुआत का सर अनुच्छेद 312 के तहत जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है उनके सृजन का अधिकार राज्यसभा को है। अच्छा राज्यसभा ने अपने इस अधिकार का प्रयोग क्या किया है कभी? सर जो आईएएस और ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके लिए सर किया है। नहीं अखिल भारतीय सेवाएं तो स्वतंत्रता के पहले से रही। हाँ सर स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ और जब राज्यसभा को ये अधिकार दिया गया कि वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, तो उसके बाद राज्यसभा ने कभी इस अधिकार का प्रयोग करके किसी अखिल भारतीय सेवा का उत्सर्जन किया है? सर जितने मुझे जानकारी है नहीं किया है सर उसके बाद। आपने IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में सुना है? सुना है सर। क्या ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज स्वतंत्रता के पहले से रही है या स्वतंत्रता के बाद ये नई अखिल भारतीय सेवा बनी? सर माफी चाहूंगा ये स्वतंत्रता के बाद में सृजित की गई है वर्ष 1960 में राज्यसभा के द्वारा। ठीक है वेरी गुड। अब ये बताइए कि क्या राज्यसभा को ये भी अधिकार है कि किसी अखिल भारतीय सेवा को समाप्त भी कर सकती है? नहीं सर ऐसा अधिकार नहीं है। बजट जो है वो संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? सर बजट पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद में राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। किस आर्टिकल में बजट के बारे में उल्लेख किया गया? सर अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में। 12 में। क्या अच्छा अच्छा ये बताइए ज्वाइंट सेशन क्या होता है? जैसे लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन, ये ज्वाइंट सेशन क्या होता है? सर किसी बिल को लेकर अगर लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद होता है तो उस मतभेद या गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जॉइंट सेशन बुलाया जाता है जिसमें साधारण बहुमत से उस बिल पर निर्णय लिया जाता है। जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है या राज्यसभा का उपसभापति करता है? सर लोकसभा का अध्यक्ष करता है, अगर वो नहीं होते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। अच्छा राज्य जो लोकसभा का ये किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति जॉइंट सेशन बनाता बुलाता है? सर अनुच्छेद 108 के तहत। 108 के तहत। क्या बजट के मामले में कोई अगर विसंगति हो रही है तो क्या राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुला सकता है बजट के मैटर पर? नहीं सर ज्वाइंट सेशन बजट के मामले में नहीं बुलाई जा सकती क्योंकि जो बजट है उस पर मतलब ज्यादातर अधिकार लोकसभा को दिए हुए हैं, राज्यसभा केवल उसमें कोई सुझाव दे सकती है, परिवर्तन नहीं कर सकती सर। अच्छा ज्योग्राफी आपने पढ़ी है? यस सर। अच्छा ये बताइए गरजता चालीसा चीखता साठा ये अक्सर नाम सुना होगा। यस सर। क्या है ये? सर ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो विंड चलती है सर उनको लेकर के है सर ये नाम। अच्छा चलिए अब कर्क रेखा और मकर रेखा की आपने बात की तो आपने एक टर्म और सुना होगा हॉर्स एक्सिस या अश्वच्छांश, ये क्या है अश्वच्छांश क्या है? सर अभी रिकॉल नहीं करता। अच्छा चलिए कोई बात। यश गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून हाउ आर यू? अच्छा हूँ मैम। यश आज एक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, आप मुझे बताएंगे कौन सा डे है आज? मैम आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, इसके अलावा मैम आज रेड क्रॉस डे भी है। अच्छा व्हाट इज दिस रेड क्रॉस डे, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? मैम रेड क्रॉस एक संगठन है जिसकी स्थापना जो युद्ध या फिर कोई भी आपातकालीन परिस्थिति होती है तो उनमें जो भी लोग घायल हो जाते हैं उनके उपचार के लिए बनाया हुआ संगठन है, तो इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में ये जो डे है पर ईयर मनाया जाता है।
नहीं इसको 8 मई को ही क्यों मनाया जाता है एवरी ईयर? देयर इज सम रीजन बिहाइंड दैट? मैम मुझे ये लगता है कि रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसकी स्थापना शायद 8 मई को हुई थी। अच्छा, इनके जो संस्थापक हैं, जो फाउंडर है, उनका बर्थडे है ये, दैट्स व्हाई। ओके, थैंक यू। हाँ, एक बात बताइए, आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, अगर आपके सामने एक सिचुएशन आ जाए कि आप एसडीएम हैं और एक रोड बनने वाला है, एक हाईवे, उसके लिए एक ग्रीन बेल्ट को काटना पड़ेगा जो कि ऑब्वियसली एनवायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है, बहुत हार्मफुल है, आप उस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करेंगे कि वो जो एक बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट है वो भी ना काटी जाए और वो हाईवे भी बन जाए? किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। आप एसडीएम है किसी एरिया के? यस मैम। और एक हाईवे का प्रोजेक्ट पास हुआ है? यस मैम। हाईवे प्रोजेक्ट के लिए बीच में एक ग्रीन बेल्ट, ट्रीज वगैरह की एक बेल्ट आई है, वो काटनी पड़ेगी उस हाईवे को बनाने के लिए, आप किस तरीके से एक्शन लेंगे कि इसमें वो ग्रीन बेल्ट भी बच जाए, एनवायरमेंट का लॉस भी ना हो, डिफॉरेस्टेशन भी ना बढ़े और आपका काम भी हो जाए? मैम अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया है तो इस बारे में शायद जो उच्च अधिकारी हैं या फिर जो इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं उनको शायद इसकी नॉलेज नहीं होगी, तो मैं ये उनको बताऊंगा, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनको इस बारे में बताऊंगा कि ये एक ग्रीन कॉरिडोर है और इसको अगर हम हटा देते हैं तो इससे एनवायरमेंट पर क्या क्या फर्क पड़ेंगे। और कोशिश करेंगे आप इसके लिए कि ग्रीन बेल्ट को कोई नुकसान नहीं हो? यस मैम। क्लाइमेट चेंज का नाम सुना है आपने? क्लाइमेट चेंज? यस मैम। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? मैम जो जलवायु में फ्रीक्वेंट चेंजेस हमें देख रहे हैं, जैसे कि बार बार बाढ़ की सिचुएशन आती है, कहीं पर सूखे की जो सिचुएशन आती है, तो इनको सम्मिलित रूप से जलवायु परिवर्तन इसका एक कारण माना गया है। यस, जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है? मैम मौसम एक स्थानीय अवधारणा है, मतलब मौसम को हम एक या दो साल के स्टेज पे मेजर करते हैं, जबकि जलवायु एक दीर्घकाल में मेजर की जाती है, लगभग 25 से 30 साल। आपको ऐसा लगता है कि जो सिविल इंजीनियरिंग है उसका भी कोई रोल है इस क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने में? मैम सिविल इंजीनियरिंग का रोल ऐसे है कि जो भी बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर बनते हैं तो उनसे भी मतलब रेडिएशन है या फिर उनसे भी जो कार्बन एमिशन होता है, तो उसके लिए हमें अल्टरनेट सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि फ्लाई ऐश है। आप अगर इस जॉब में आते हैं, आपको मेन प्रॉपर आरएएस की जॉब मिलती है, आप क्या करना चाहेंगे एनवायरनमेंट के लिए? कोई दो एक्शंस बताइए जो आप चाहते हो कि ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट होने चाहिए। मैम एक तो जो वाटर के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि परंपरागत रूप से हम इस्तेमाल करते आए हैं, तो उनके उनका मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए, जल संरक्षण के जो। और सेकंड मैम ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम लगाएं तो उससे पहले एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट उसका होना चाहिए। ओके, आपकी पहली चॉइस आरएस एसडीएम की है, इसके बाद में आपने अकाउंट्स को चुना है? सर मैंने आरएस की जब तैयारी स्टार्ट की तब भी मेरे मन में केवल एसडीएम का ही था कि मुझे एसडीएम ही बनना है, तो अगर मुझे एसडीएम नहीं मिलता है तो मैं अकाउंट सर्विस ज्वाइन करके वापस आरएस की तैयारी करके एसडीएम पर ही चयनित हुआ। और अकाउंट्स के बाद में आपने स्टेट सर्विसों को छोड़कर सीधे ही आरटीएस तहसीलदार को चुना है? हाँ सर। सर चूंकि तहसीलदार में जो पब्लिक के साथ में जो हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है वो ज्यादा होता है, दूसरा सर इसमें भी जो कार्यों की विविधता अधिक है, इसलिए सर मैंने इसको चूज किया है। तो फिर तो चौथे नंबर पर वीडियो जो होता है ये भी तो जनता से जुड़ा हुआ है ना? हाँ सर, लेकिन तहसीलदार की तुलना में सर इसमें कार्य विविधता कम है, इसका कार्य पंचायतों तक सीमित है। चलिए तो ये बताइए आरडीएस और दूसरा है आरआरडीएस की जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है? नहीं सर। तो आपने चौथा जो चुना है वीडियो वाला, राजस्थान? सर राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विस। हाँ, और सर एब्रिविएशन भूल गया था मैं सर, डीएस राजस्थान देवस्थान सर्विस।
यस सर, थैंक यू सर। डीटीओ, एसीटीओ और डीएसओ? यस सर। इन तीनों की फुल फॉर्म बताइए। सर डीएसओ तो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है। हाँ बिल्कुल सही। एसीटीओ सर टैक्सेशन में है सर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी। सर थर्ड एक पर वापस बता दीजिए मुझे। डीटीओ सर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। चलिए, राजस्थान में ऐसे खनिजों के नाम बताओ जो 100% राजस्थान में ही होते हो। सर सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी, कैल्साइट, जिप्सम, एस्बेस्टस, ये खनिज सर केवल राजस्थान में होते हैं। अपने सर्वाधिक जिप्सम कहाँ होता है राजस्थान में? सर सर्वाधिक जिप्सम नागौर में होता है सर। कोई विशेष स्थान? सर गोट मंगलोर है सर, भदवासी है और इगियार कसनाऊ करके सर एक क्षेत्र है। नाग कोई डेगाना ना, कहाँ डेगाना में क्या होता है? सर डेगाना में टंगस्टन होता है सर। अच्छा अच्छा चलिए, आपकी हॉबी सिंगिंग, गाना और सुनना दोनों ही है? हाँ सर। क्या सुनते हो आप? सर मैं जगजीत सिंह की गजलें पसंद करता हूँ। अच्छा, सूफी और क्लासिकल? हाँ सर इनमें भी इंटरेस्ट है सर मेरा। जगजीत सिंह जी का संबंध अपने राजस्थान से रहा है, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र कहाँ था ज्यादातर लास्ट मंथ में? सर कार्य क्षेत्र उनका मुंबई में रहा है सर। अच्छा। जन्म इनका सर श्री गंगानगर जिले में हुआ था। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं? सर राजस्थान रत्न इनको मिला हुआ है, इसके अलावा सर पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। पद्मश्री मिला हुआ है? यस सर। तो एक आप जो आप बहुत सारा दो चार दोस्त हैं आपके, मित्र हैं, जहां उदासी है और उस उदासी को दूर करने के लिए आपको पता है कि कौन सी आप गजल गा सकते हैं जहां चारों ओर उदासी हट जाए और माहौल बदल जाए, गाएंगे? यस सर। स्टार्ट करें। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़े रास्ता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो से वो बेवफा हो जाएगा। चलिए, भारत में कव्वाली की शुरुआत कब हुई थी? सर कव्वाली की शुरुआत सल्तनत काल से हुई थी सर, अमीर खुसरो को सर इसका श्रेय दिया जाता है। कव्वाली गाते समय कोई वाद्य यंत्र होते हैं क्या? सर शायद सितार होता है, सारंगी होते हैं सर। चलिए यस, एक अंतिम सवाल बताइए। यस सर। कौन सा मूल अधिकार आपको सबसे अच्छा लगता है? सर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्यों? आर्टिकल 21 सर। क्यों? क्योंकि सर वो ये मूल अधिकार सर इतना विस्तृत है कि इसमें बहुत सारे अधिकारों को समाहित किया गया है, जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, स्वच्छ जल का अधिकार है, इसके अलावा सर जो भी हेल्थ रिलेटेड जो भी है, राइट टू हेल्थ है, वो सब सर इसमें सम्मिलित है। अभी मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? सर 6 मूल अधिकार है अभी। अच्छा, अंत में कौन सा जोड़ा गया था? सर याद नहीं आ रहा। कोई बात, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।